हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से चैप्टर चल रहा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड यह 29वां वीडियो है, एंड इस चैप्टर से आज का वीडियो है नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम से इसके पहले एक और वीडियो है, दूसरा वीडियो है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों। एंड दोस्तों, 100 से ज़्यादा वीडियोज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन के भी हैं, तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पे बेहतरीन तैयारी के लिए। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक सभी क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, एफरेंट तंत्रिका तंत्र आवेग को ले जाता है। एफरेंट यानी कि जो सेंसरी न्यूरोन होती है, जैसे न्यूरोन तीन प्रकार के हैं मुख्य रूप से, सेंसरी न्यूरोन, मोटर न्यूरोन, इंटरमीडिएट। सेंसरी न्यूरॉन यानी कि एफरेंट, यह हमारे आवेगों को संवेदी अंग यानी कि ज्ञान इंद्रियों से, सेंसरी ऑर्गन से तंत्रिका तंत्र तक ले जाती है, यानी मस्तिष्क तक ले जाती है। और जो एफरेंट होता है यानी कि मोटर नर्व, वह हमारे तंत्रिका तंत्र से सूचनाओं को हमारे अंगों तक पहुंचाती है, जिसके अनुसार हमारे अंग कार्य करते हैं, यानी कि वो जवाब देते हैं और ये प्रश्न करते हैं। तो एफरेंट तंत्रिका तंत्र आवेग को ले जाते हैं किधर, संवेदी अंग से तंत्रिका तंत्र की ओर। नेक्स्ट है, दृढ़ तंत्रिकाएं मिश्रित होती हैं, कौन सी बात सही है? तो हाँ, दृढ़ तंत्रिकाएं मिश्रित होती हैं, इस हिसाब से नंबर सी करेक्ट है, पृष्ठ मूल संवेदी व अधर मूल चालक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सी कपाल तंत्रिका सबसे लंबी है तथा शीर्ष के अतिरिक्त अंगों को जाती है? तो जो वेगस तंत्रिका है दोस्तों, वह सबसे लंबी है, ठीक है, वेगस तंत्रिका सबसे लंबी है, जो हमारे हृदय और फेफड़ों को कंट्रोल करती है, ठीक है। एंड दोस्तों, नेक्स्ट है, हृदय स्पंदन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हृदय स्पंदन का नियंत्रण जो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है, यानी कि जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता उस पर नियंत्रण कौन करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जबकि हमारे ऐच्छिक पेशी है, जिसको हम अपने इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, इस पर नियंत्रण सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है, ठीक है। तो हृदय फेफड़ों का नियंत्रण पूछेगा तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा। और किसके द्वारा तंत्रिका आवेग पहुंचते हैं वहां तक? वेगस तंत्रिका द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, स्पाइनल तंत्रिकाओं की कोशिकाएं के एफरेंट तंतु कहाँ स्थित होते हैं? तो जो हमारा स्पाइनल तंत्रिका होता है वहां पे जो एफरेंट तंतु यानी कि जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वह वहां तक पहुंचते हैं पृष्ठमूल के गैंग्लिया से। कैसे पहुंचते हैं? पृष्ठमूल के गैंग्लिया से। नेक्स्ट है, मनुष्य में स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 31 जोड़ी होती है दोस्तों। जैसे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 43 जोड़ी नाड़ियां निकलती है, जिसमें से 12 जोड़ी नाड़ियां हमारे मस्तिष्क से कार्निथर नाड़ी निकलती है, एंड 31 जोड़ी नाड़ियां हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, जिसमें से ग्रीवा तंत्रिकाएं यानी सर्वाइकल नर्व 8, थोरेसिक नर्व 12, लंबर यानी कटी तंत्रिकाएं 5, सेक्रल 5, कॉक्सिजियल 1, कुल 31 होती है। नेक्स्ट है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जाने वाली तंत्रिका कहलाती है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जाने वाली तंत्रिका दोस्तों सेंसरी न्यूरॉन होता है, यानी कि एफरेंट, ठीक है। और जब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से हमारे अंगों तक कौन जाता है? तो एफरेंट यानी कि मोटर नर्व। तो यहां पे पूछा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जाने वाली तंत्रिका कहलाती है, तो एफरेंट यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स। ये क्या करती है? हमारे ज्ञान इंद्रियों यानी सेंसरी ऑर्गन्स से संदेशों को लेकर के हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती है। और फिर एफरेंट यानी कि मोटर नर्व क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उन संदेशों को हमारे पेशियों तक यानी कार्यकारी अंगों तक पहुंचाती है, जिसके अनुसार हमारे अंग जो है कार्य करते हैं। कौन सी तंत्रिका मेडुला से निकलती है? तो जो हमारे पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन का दो भाग होते हैं, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा,
तो जो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा होता है वह क्या करता है? यह उन सभी जैविक क्रियाओं यानी वाइटल फंक्शंस को नियंत्रित करता है जिन पर हमारी इच्छाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे पाचन तंत्र यानी कि आंत्र में क्रमानुकुंचन गति, रक्त परिसंचरण, हृदय धड़कन, श्वसन क्रिया आदि सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कौन? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। तो यहां पे क्या पूछा है कि कौन सी तंत्रिका मेडुला से निकलती है? तो बेगस तंत्रिका जो होती है वह मेडुला से निकलती है, जो दसवीं कपाल तंत्रिका है, जो हृदय और फेफड़ों को नियंत्रित करती है। हृदय फेफड़ों को आवेग भेजता है जिससे वहां पे जाकर के वो जो हृदय होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, शिथिलन और संकुचन होता है वहां पे। नेक्स्ट, हमारे शरीर में ताप नियंत्रक स्थित होता है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस जो होता है दोस्तों वह अग्र मस्तिष्क का भाग है, जैसे कि अग्र मस्तिष्क में हमारा सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस आता है, जिसमें से जो हमारा सेरेब्रम होता है और बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है यानी सोचने समझने तर्क करने का चिंतन करने का केंद्र होता है। जो थैलेमस होता है वह ठंडा, गर्म और दर्द का अनुभव कराता है। जो हाइपोथैलेमस होता है वह क्या करता है? यह प्रेम, घृणा, हर्ष, विषाद, क्रोध, सेक्स यानी कि सभी प्रकार की भावनाओं का केंद्र होता है हाइपोथैलेमस। इसके अलावा यह ताप नियंत्रित केंद्र भी यहाँ पे होता है, हार्मोन नियंत्रक केंद्र भी हाइपोथैलेमस में होता है, तथा भोजन जल संतुलन के नियंत्रण का केंद्र भी यह हाइपोथैलेमस ही है, एंड भूख प्यास लगने का केंद्र भी हाइपोथैलेमस है, तथा कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का उपापचय जैसे कार्य भी हाइपोथैलेमस करता है। वेरी इंपॉर्टेंट इज हाइपोथैलेमस, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया के लिए संवेदी गैंग्लिया कहाँ स्थित होती है? तो संवेदी गैंग्लिया जो होती है मेरु तंत्रिका के पृष्ठ शाखा में स्थित होती है। कहाँ पे होती है? मेरु तंत्रिका के पृष्ठ शाखा में। नेक्स्ट दोस्तों, कशेरुकी का मस्तिष्क किससे विकसित होता है? तो दोस्तों, यह एक्टोडर्म से विकसित होता है। नेक्स्ट दोस्तों, आयरिस का कार्य होता है, हमारे आंख में जो आयरिस पेशी होती है उसका क्या कार्य है? यह लेंस का फोकस बदलता है, कम या ज्यादा करता है, जिसके अनुसार हमको दिखाई देता है। नेक्स्ट दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसके द्वारा, किसके स्त्राव द्वारा कार्य करता है? तो दोस्तों, यह एसिटाइल कोलाइन जो अंग को प्रेरित कर इसके द्वारा काम करता है। तो हमारे अंगों को आवेग प्रसारित करता है, अप्रेरित कौन करता है? तो एसिटाइल कोलाइन। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसी के स्त्राव द्वारा कार्य करता है, एसिटाइल कोलाइन, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पूर्णतः संवेदी है? तो पूर्णतः संवेदी दोस्तों 3 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं हैं। जैसे कि दोस्तों, कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होते हैं और स्पाइनल तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती हैं। कुल 43 जोड़ी तंत्रिकाएं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है, परिधि तंत्रिका तंत्र में, जिसमें से 12 जोड़ी मस्तिष्क की तंत्रिकाएं जो होती है उसमें से 3 जोड़ी संवेदी तंत्रिका होती है, ठीक है। एंड पहला, दूसरा, आठवां संवेदी तंत्रिकाएं 3 जोड़ी होती है, और तीसरा, चौथा, छठवां, ग्यारहवां, बारहवां यह होती है प्रेरक तंत्रिका यानी मोटर नर्व, और पांचवां, सातवां, नौवां, दसवां यह मिक्स नर्व होती है। नेक्स्ट दोस्तों, परानुकंपी तंत्रिका का कार्य है, परानुकंपी जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जैसे कि तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे 43 जोड़ी नलियां आती है, जिसमें से मस्तिष्क से 12 जोड़ी और स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी निकलती है। और तीसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो अपने आप क्रिया करता है, इसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, यानी मस्तिष्क के आदेशों पर कोई निर्भर नहीं करता है, यह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 प्रकार का होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और 2 प्रकार का कौन सा होता है? पहला है अनुकंपी यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम, और दूसरा परानुकंपी यानी कि पैरासिंपैथेटिक सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है अनुकंपी,
वह विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार करती है, या खतरा, भय, दुख, शोक आदि की स्थिति में कार्य करता है, जबकि परानुकंपी क्या करता है, यानी पारासिंपेथेटिक, वह प्रेम, खुशी, हर्ष और विषम अवस्था में प्रभाव करता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या पूछा है कि परानुकंपी तंत्र का कार्य है क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, नेत्र के तारे का संकुचन, हृदय स्पंदन बढ़ाना, श्वेत ग्रंथियां प्रेरित करना, बालों को पेशियों का संकुचन। तो यहाँ बढ़ना आपका हो जाएगा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका, एंड श्वेत ग्रंथियां प्रेरित करना भी स्वायत्त हो जाएगा, बालों का पेशियों का संकुचन। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, नेत्र के तारे का संकुचन। ठीक है, जो नेत्र का पुतली होता है, तारा होता है, उसका संकुचन विश्राम अवस्था में आपका प्रेम, खुशी, हर्ष के समय होगा। जबकि यही भी रहेगा ऑप्शन कि नेत्र के तारों का पुतली का फैल जाना, तो वो आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क में श्वसन केंद्र होता है तो किसमें दोस्तों? हमारे श्वसन केंद्र, सेरिबेलम में स्थित, सेरिबेलम नहीं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि मेडुला अब्लांगेटा में स्थित होता है। किसमें होता है? मेडुला अब्लांगेटा में स्थित होता है। कौन हमारा श्वसन केंद्र? मेडुला अब्लांगेटा करता क्या है कि जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, उन सभी को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट दोस्तों, साइनेप्टिक प्रसारण में कौन सा रासायनिक पदार्थ भाग लेता है? तो इसमें एसिटाइल कोलाइन भाग लेता है। ठीक है, इसी के द्वारा सूचनाओं का प्रसारण होता है पेशियों में। नेक्स्ट दोस्तों, आवेगों का प्रसारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट, साल्टेटरी प्रसारण किसमें होती है? तो यह होता है माइलिनेटेड तंतु द्वारा। नेक्स्ट है, मवान पावलाव का, यानी इवान पावलाव जो थे, उनका प्रयोग किससे संबंधित है? तो उनका है आपका शास्त्रीय अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत वो दिए हैं, जिसे कहा जाता है कंडीशनड प्रतिवर्ती क्रियाएं भी कहा जाता है। यहाँ पे कंडीशनड प्रतिवर्ती क्रियाएं आपका सही हो जाएगा। इन्होंने किसे प्रयोग किया था? कुत्ते पे। नेक्स्ट है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, यानी परानुकंपी तंत्र का क्या प्रभाव होता है? जैसे कि अनुकंपी जो होता है दोस्तों, वह हमारे क्रोध या विपत्ति के समय ज्यादा काम करता है, यानी कि जब खतरा होता है, भय होता है, दुख, शोक आदि की स्थिति में अनुकंपी यानी कि सिंपैथेटिक काम करता है, यानी खतरे के समय, विपत्ति का सामना करने के लिए। तो उस समय नेत्र की पुतली फैल जाती है, लार का बनना बंद हो जाता है, पाचक एंजाइम निकलना बंद हो जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है, पसीना निकलने लगता है, हृदय धड़कन तेज हो जाता है, उस सर्जी अंगों की पेशियां शिथिल पड़ जाती है, और इसी का जस्ट उल्टा होता है परानुकंपी। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? परानुकंपी। परानुकंपी में क्या होता है? यह प्रेम, खुशी, हर्ष, शांति एवं विषम अवस्था में प्रभाव डालता है, जैसे कि नेत्र की पुतली सिकुड़ती है, श्वेत ग्रंथि यानी पसीना निकलना घटाता है, लार ग्रंथियों के स्त्राव को बढ़ाता है, हृदय स्पंदन को घटाता है, श्वसन दर्द तथा रक्तचाप को कम करता है। तो यहाँ पे क्या है? परानुकंपी तंत्र पूछा है, यानी कि प्रेम, खुशी, हर्ष, विषम अवस्था में यह प्रभावशील होता है। तो इसमें क्या करेगा? हृदय स्पंदन को कम करना, यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही भी अनुकंपी पूछता है तो हृदय स्पंदन को बढ़ाना हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आवेगित होने से पूर्व तंत्रिका में विभव अंतर बाहरी तथा भीतरी सतह पर होता है। तो क्या होता है? आवेगित होने से पूर्व वह विश्राम अवस्था में रहता है, तो विश्राम विभव होता है। यहाँ पे जब आवेगित होता है तो वह प्रतिक्रिया विभव यानी कि एक्शन पोटेंशियल में होता है। नेक्स्ट दोस्तों, तंत्रिका तंतु किस प्रक्रम द्वारा तंत्रिका संदेश का संचरण करते हैं? तो रासायनिक प्रक्रम द्वारा। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे शिला टर्सिका गर्त में पाई जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, न्यूरॉन की निश्चल कणिकाएं होती हैं, तो यह होती है आरएनए। नेक्स्ट है, हृदय स्पंदन, श्वसन और आहार नाल में क्रमांकुचन किसके नियंत्रण में होता है? तो यह
मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के नियंत्रण में होता है। किसके नियंत्रण में? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के, जो हमारे इच्छाओं द्वारा कंट्रोल नहीं होती है, इसका इस सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सी तंत्रिका बजाय तंत्रिक के मस्तिष्क के मार्ग के समान कार्य करती है दोस्तों? तो वह होता है बेगस तंत्रिका, जो 10वीं कपाल तंत्रिका है। नेक्स्ट है, मंद तंत्रिका संचालन किसके द्वारा होता है? तो मंद तंत्रिका संचालन जो है गामा अमीनो ब्यूटिक अम्ल के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य का नेत्र किस तरंग लंबाई के लिए संवेदी होता है? तो यह 380 से 760 नैनोमीटर के लिए संवेदी होता है। नेक्स्ट है, लक्रिमल ग्रंथि का कार्य है क्या? स्त्राव करना, यह आंसू स्त्रावित करती है दोस्तों। हमारे आंसू, लक्रिमल ग्रंथि क्या स्त्रावित करती है? आंसू। तो हमारे आंख में एक लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है जो जीवाणुओं को मारता है। नेक्स्ट दोस्तों, कृत्रिम गुर्दा किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम गुर्दा जो है डायलिसिस प्रक्रिया पर काम करता है। जैसे कि हमारे जब किडनी खराब हो जाता है तो एक कृत्रिम किडनी बना करके उसी तरह एडजस्ट किया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं डायलिसिस। नेक्स्ट है, हमारा कौन सा अंग प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? तो किस अंग को प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? तो अभी तक मीन मस्तिष्क को, मस्तिष्क को बस कृत्रिम नहीं बनाया गया है, अभी नहीं बनाया जा सकता, यानी प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। एंड यदि आपके बारे में कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, सिलेबस से अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।